Hello everyone, hope you're doing well, and today we have a very interesting topic to discuss. ये topic हमारा basically bank reconciliation statements से related है. Bank reconciliation statement. इस bank reconciliation statement को शॉर्ट फॉर्म में आप BRS भी बोल सकते हैं. सो हाँ, मेरी कोशिश होगी कि इसको डिफरेंट तरीके से और थोड़े से आसान तरीके से लेकर चलूं. उसकी रीज़न ये है कि जब भी ये टॉपिक आपके सामने आएगा तो आपके लिए बड़ा सिंपल हो जाएगा किसी भी लेवल के ऊपर इसको टैकल करना. इसलिए इस टॉपिक को टैकल करने के लिए मैं आपको पहले कहानी सुनाऊँगा. उस कहानी को आपने गौर से सुनना है. वो कहानी बेसिकली इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम बनाते क्यों हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. उसके बाद हम प्रॉपर अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे. बेसिकली अमूमी तौर के ऊपर होता क्या है कि आप जो बिज़नेस की अमाउंट होती है, कैश होता है, वो अपने बैंक अकाउंट में डिपॉज़िट करवा देते हैं समटाइम्स बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ मनी. तो इट इज़ नॉट सेफ. तो आप चाहते हैं कि आप उसको अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा दें. एज्यूम करते हैं कि आप चले गए हैं फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में और आप गए हैं 1 जनवरी को और वहाँ जाके आपने अपना अकाउंट ओपन करवा दिया है एंड यू हैव डिपॉजिटेड $100,000 ओवर देयर. ठीक है, आपने बैंक अकाउंट में जाके बिज़नेस की अमाउंट डिपॉज़िट करवा दी है और आपने $100,000 जो है वो जमा करवा दिया है. अब जब आपने बैंक में अमाउंट जमा करवाई है, SCB से मुराद है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, तो इसका रिकॉर्ड आप अपने बिज़नेस के अंदर भी मेंटेन करते हैं. तो बिज़नेस के अंदर जिस बुक में मेंटेन करते हैं उस बुक को आप कैश बुक बोलते हैं और उस कैश बुक का एक कॉलम है जिसको आप बैंक कॉलम बोलेंगे. उसमें आके आप लिख लेंगे क्या कि 1 जनवरी को आपकी अमाउंट जो आपके बैंक में पड़ी हुई है, दैट इज़ ऑन 1 जनवरी $100,000. ठीक हो गया. अब यहाँ तक तो मामलात बिल्कुल ठीक हैं. आपने बैंक में $100,000 जमा करवाया और यही रिकॉर्ड आपने अपने पास एक रजिस्टर में लिख लिया कि मेरे मुताबिक बैंक में ₹1,00,000 बिज़नेस का पड़ा हुआ है. अब वो जिस रजिस्टर में लिखा है वो कैश बुक का बैंक कॉलम है. ठीक है, आफ्टर फ्यू डेज 5 जनवरी को आपने मैनेजर ऑफ द स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को कॉल की आस्किंग अबाउट योर ATM और आस्किंग अबाउट योर चेक बुक और मीनवाइल आपने उससे ये दरियाफ्त करने की कोशिश की कि आप बताएं कि मेरे बैंक अकाउंट में कितनी अमाउंट जो है वो पड़ी हुई है, बैलेंस कितना है, यानी बिज़नेस के बैंक अकाउंट में कितनी अमाउंट पड़ी है. तो उसने आपसे कहा कि आपके बैंक बैलेंस में 98,500 पड़ा हुआ है, यानी 98,500. अब हमने जब कैश बुक का बैंक कॉलम देखा तो हमें तो ये पता है कि बैंक में 1,00,000 पड़ा होना चाहिए था, हमने तो 1,00,000 डिपॉज़िट करवाया, जबकि वो कह रहा है कि आपका बैलेंस 98,500 है. तो मसला तो हो गया कि भाई ये 1,500 किधर गया. तो आप जल्दी से बैंक के और बैंक के मैनेजर को कहा कि मुझे जल्दी से बैंक स्टेटमेंट दे दें. बैंक स्टेटमेंट आपके अकाउंट की समरी होती है, डिटेल्स होती है जो बैंक प्रिपेयर कर रहा होता है. तो आप ये चाह रहे हैं कि ये आइडेंटिफाई करें कि मेरे पैसे गए किधर 1,500. जब आपने बैंक स्टेटमेंट ली तो पता चला ये जो 1,500 है ये बैंक ने चार्जेस काटे हुए हैं आपके ATM के, आपके चेकबुक के या आपके SMS अलर्ट्स के, वट एवर इट इज़. अब आपको तसल्ली होगी, अच्छा ये तो मैंने खुद अप्लाई किया हुआ था, बैंक ने चार्जेस काट लिए, तो इट्स एब्सोल्युटली ओके. तो इसलिए आपका 1,500 जो है वो कम हुआ हुआ है. अब देखा ये जाए कि ये जो 98,500 बैलेंस है क्या ये अप टू डेट है या कैश बुक के अंदर जो लिखा हुआ है 1,00,000 के हमारे मुताबिक बैंक में 1,00,000 पड़ा हुआ है वो अप टू डेट है. तो पता ये चलेगा कि जो 98,500 है ये अप टू डेट है ना, ये लेटेस्ट बैलेंस है. अब हम जब वापस आएंगे बिज़नेस में तो हम अपने बिज़नेस की कैश बुक के बैंक कॉलम में से भी 1,500 डिडक्ट कर लेंगे कि जनाब ये वो चार्जेस हैं
जो बैंक डिडक्ट कर चुका है, जो कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड है, तो दोनों बैलेंसेस आपस में इक्वल आ गए। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एज्यूम करते हैं 7 जनवरी को एक कस्टमर था जिसने आपसे उधार पे चीज़ें ली हुई थी, उसने आपको कैश पे करना था, तो 7 जनवरी को वो आपके पास आया और पास आने के बाद उसने आपको चेक पकड़ा दिया कि ये आपकी अमाउंट है, ये आप ले लें, ठीक है। उस चेक की अमाउंट है फॉर एग्जांपल 6500। जैसे ही आप चेक पकड़ते हैं तो आप एंट्री पास कर देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट के, चेक हमारे अकाउंट में जब आ गया, यानी कि जैसे ही आपने चेक पकड़ा आप एंट्री पास कर देते हैं कि पैसे आ गए। तो आपने क्या किया, 6500 अपनी कैश बुक में अप टू डेट कर दिया, जनाब पैसे आ गए। तो आपके मुताबिक बैंक का बैलेंस हो गया 1,05,000, ऐसे ही है। अब चेक में तो पैसे नहीं होते, आपने चेक पकड़ाया अपने असिस्टेंट को और कहा कि ये चेक जाके बैंक में डिपॉजिट करवाओ। अब वो असिस्टेंट जो चेक बैंक में लेके गया डिपॉजिट कराने के लिए, तो स्टैंडर्ड चार्टर बैंक ने कहा कि ये जो कस्टमर ने आपको चेक पकड़ाया ये नेशनल बैंक का है और इसको 3 से 5 दिन लगेंगे क्योंकि ये चेक जो है ये अदर प्रोविंस से आया हुआ है, अदर प्रोविंस में नेशनल बैंक की जो ब्रांच है वहाँ का है, लिहाजा ये क्लियरिंग सिस्टम में जाएगा, 3 से 5 दिन लगेंगे, फिर ये अमाउंट अगर क्लियर होती है तो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगी। अब ये बात हमें आके वापस असिस्टेंट ने नहीं बताई कि ये चेक जो क्लियरिंग में जा रहा है। अब हमने फॉर एग्ज़ाम्पल 2 दिन बाद मैनेजर को कॉल की और पूछा कि हमारा बैलेंस कितना है, तो मैनेजर ने कहा कि आपका बैलेंस तो 98,500 है, जबकि हमने कैश बुक में कितना रिकॉर्ड किया हुआ है कि 1,05,000। अब हम कहेंगे यार ये 6,500 किधर गया। अब जब हम बैंक स्टेटमेंट निकलवाएंगे तो पता ये चलेगा कि वो 6,500 का जो चेक था वो तो अभी क्लियरिंग में है, वो अभी क्लियर नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि देखा जाए 1,05,000 अप टू डेट बैलेंस है, हमारे मुताबिक पैसे आ गए, बैंक कहता है अभी तक पैसे नहीं आए। क्या बैंक गलती पे है? नहीं, बैंक क्यों गलती पे है, बैंक ने तो चेक क्लियरिंग में भेजा हुआ है। अब पैसे जब तक नहीं आएंगे बैंक हमारे अकाउंट में क्यों क्रेडिट करेगा। इसी तरह क्या हम जो हैं वो मिस्टेक के ऊपर हैं, हम क्यों मिस्टेक के ऊपर, हमें तो चेक रिसीव हो गया। ये जो फ़र्क आ रहा है ये क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ टाइमिंग डिफरेंसेस, ऐसा ही है। अब हम क्या करेंगे, ये जो बैंक स्टेटमेंट हमें मिल चुकी है फिज़िकली, हम इसमें पेंसिल से ज़रा ये 6,500 ऐड करेंगे और देखेंगे क्या यही वो फ़र्क है कि दोनों का बैलेंस आपस में एग्री नहीं कर रहा। तो हमने पेंसिल से 6,500 ऐड किया तो ये बैलेंस बैंक स्टेटमेंट का भी हमारे मुताबिक 1,05 हो गया, रफ फ़र्क किया हमने, और कैश बुक के मुताबिक भी 1,05 था, तो दोनों बैलेंस हमने अप टू डेट कर ली। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 10 जनवरी को हमने अपने सप्लायर को पेमेंट करनी थी 5,000 की और हमने उस सप्लायर को चेक इशू कर दिया, हमने कहा चलो ये चेक है ये पेमेंट ले लो तुम अपनी। जैसे ही हम चेक काट के सप्लायर को देते हैं तो हम एंट्री पास कर देते हैं, अपनी लाइबिलिटी को कम कर लेते हैं, यानी कि पेएबल्स को कम कर लेंगे, डेबिट करेंगे, और जो कि चेक दिया तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इसका मतलब हमने अपनी कैश बुक में ये रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया कि हमारे बैंक से पैसे निकल गए, तो हमने क्या किया, हमने 5,000 माइनस कर लिया, ठीक हो गया। तो हमारे मुताबिक बैंक अकाउंट का बैलेंस हो गया 1,00,000, ठीक है। अब 4 दिन बाद हमने मैनेजर को कॉल किया, उससे पूछा जी बैंक का बैलेंस बताएं, उसने कहा जी आपके अकाउंट में तो 1,05,000 है। अब हमने कहा यार ये 5,000 कहाँ से आ गया, हमारा बैलेंस तो 1,00,000 होना चाहिए था, ये 1,05 क्यों है, क्या किसी ने पैसे भेज दिए डायरेक्टली। अब जब हमने बैंक स्टेटमेंट निकलवाई तो पता चला कि वो जो सप्लायर था उसको जो चेक पकड़ाया था उसने अभी तक अमाउंट विड्रॉ नहीं करवाई। अब हम देखते ही हैं कि क्या 5,000 हम इधर से माइनस करें पेंसिल से तो क्या दोनों बैलेंसेस अप टू डेट आ जाएंगे। जी बिल्कुल अप टू डेट आ जाएंगे। इसका मतलब ये जो फ़र्क था ये हमारी तरफ से नहीं था, ये जो फ़र्क था हम तो अप टू डेट थे, अभी तक बैंक से पैसे नहीं निकल पाए तो बैंक अभी तक अप टू डेट नहीं था। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हम कर क्यों रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम वो फ़र्क तलाश करें कि जिसकी वजह से कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस
पासबुक के यानी बैंक स्टेटमेंट के इक्वल नहीं आता। अब दोनों को आपस में इक्वल लाने के लिए जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं उसी को तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं। अब ये हम करते क्यों हैं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? जैसे मैंने अभी अर्ज किया, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि हम ये डिफरेंसेस रिमूव करने के बाद ये देखते हैं क्या दोनों बैलेंस यानी कि कैश बुक के बैंक कॉलम का और बैंक स्टेटमेंट का आपस में इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर तो इक्वल हो रहा है इसका मतलब टेंशन की बात नहीं है, ये आर्जी फ़र्क है, टम्परेरी फ़र्क है, ये रिमूव हो जाएंगे, टाइमिंग डिफरेंसेस हैं या कोई एरर्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, अगर ये फ़र्क एडजस्ट करने के बाद भी दोनों बैलेंसेस आपस में इक्वल नहीं हो रहे तो इसका मतलब प्रॉब्लम तब है। प्रॉब्लम तब क्या है कि हमने वो फ़र्क भी डाल दिए कि हमारे मुताबिक 5,000 निकल जाना चाहिए था, हमने 1,00,000 का बैलेंस बना लिया, बैंक कहते हैं 1,05,000 है, हमने अज्यूम किया कि 5 उधर से निकल गया तो 1 हो जाएगा। लेकिन ये जो अज्यूम किया ना 5 उधर से निकला, अगर हम बैंक स्टेटमेंट से 5 माइनस करते हैं तो पता चलता है कि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस 1,00,000 के बजाय 98,000 हो गया और जबकि हमारे मुताबिक 1,00,000 होना चाहिए था। इसका मतलब है कि इन डिफरेंसेस रिमूव करने के बाद भी अगर दोनों बैलेंसेस आपस में इक्वल नहीं आ रहे तो फिर प्रॉब्लम है, या तो फिर कोई फ्रॉड हो गया है या थेफ्ट हो गया, चोरी हो गया या वट एवर इट इज़। तो इसलिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। मेक सेंस? तो अब हम डेफिनेशन लिखते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की।